हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। उसमें सबसे पहले समझेंगे कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो आपके पास है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या है इनको समझते हैं पहले। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर्स जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, आपकी नॉर्मल काउंटिंग है जो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर होता है जिसमें आप जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हो, 0, 1, 2, 3 और जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं वो सब मिलके होल नंबर बनाएंगे। इंटीजर्स, इंटीजर्स में आप ये सारे होल नंबर्स तो इंक्लूड करोगे ही, यानी कि 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर्स तो आएंगे ही, उसके साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की तरह यानी कि p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी उसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होगा। तो ध्यान से देखो, जितने भी ये नेचुरल होल नंबर्स और इंटीजर्स हैं इन सबको भी हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं 2 को लिख सकती हूँ 2 अपॉन 1, तो ये हुआ न्यूमरेटर, ये हुआ डिनोमिनेटर। ऐसे ही 3 अपॉन 7, ये भी आपका जो फ्रैक्शन है ये आपका रैशनल नंबर है, -3 अपॉन 7 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे q जो है यानी कि जैसे 3 अपॉन 0 नहीं हो सकता, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इस डिनोमिनेटर में जब भी 0 होता है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, इट इज़ कॉल्ड नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है, मतलब हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि √2, √3, √13 इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं ये अब p अपॉन q की फॉर्म में, इनको फ्रैक्शन में आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुए आपके इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, सब के सब जो है रियल नंबर्स हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आप क्लास 11th में आगे पढ़ोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको बस एक आइडिया दे देती हूँ कि क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो जिनको आप, जैसे कि अगर मैं इसी √2 में माइनस लगा दूँ, यानी -√2 लिख दूँ, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप 11th क्लास में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, तो अभी हम इसको यहाँ पे स्किप करेंगे। अभी आप ये डायग्राम देखो, इसको देखकर आपको इजीली समझ में आएगा, याद रहेगा कि कितने सारे नंबर्स हैं और कैसे उनको कौन कौन से होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो नेचुरल नंबर से काउंटिंग स्टार्ट हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, तो नेचुरल नंबर है। उस सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर्स होते हैं, तो होल नंबर आपका 0 भी इंक्लूड करता है। फिर सारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ये सारे होल नंबर्स ये आपके इंटीजर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव भी नंबर्स आ जाते हैं। फिर सारे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब के सब रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सबको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर आते हैं आपके इरेशनल नंबर, जो कि इन सबसे अलग हैं, ठीक है। एक इरेशनल नंबर और ये सारे नंबर सेम नहीं होते, तो इरेशनल नंबर के बाद सारे के सारे नंबर्स को मिला दो, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनको रियल नंबर कहते हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स।